है ये तो सनातन है, लेकिन मुंह से बच्चा पैदा हो। समाजवादी पार्टी के नेता यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी कर डाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, पैरों से शूद्र का जन्म एक धोखा है। माँ के पेट से जन्म लेना ही धर्म है। हमारा सनातन विज्ञान पर आधारित है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा क्या है, जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ वही सनातन है। हमारा सनातन विज्ञान पर आधारित है और उनका ढोंग ढकोसले पर। हम वैज्ञानिक आधारित सनातन पद्धति की बात करते हैं, लेकिन उनको विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हम सनातन को मानते हैं, लेकिन ढोंग ढकोसले पद्धति को नहीं। सपा नेता ने कहा कि हम तो देखते हैं कि भारत में हो, चीन में हो, लंका में हो, किसी भी देश में हो, बच्चा जहाँ भी पैदा होता है अपनी माँ के पेट से पैदा होता है। बच्चा माँ के पेट से पैदा हो या तो सनातन है, लेकिन कभी किसी के मुँह से पैदा होते देखा है क्या किसी ने? क्या किसी बच्चे को किसी के हाथ से पैदा होते देखा, किसी बच्चे को जंघे से पैदा होते देखा, या मुंह से बच्चा आज तक दुनिया में कहीं पैदा हुआ है? तो हम कैसे माने कि मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, कैसे मान ले कि पैरों से शूद्र हुआ? सपा नेता ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि माँ के पेट से पैदा होना यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। ढोंग ढकोसला पाखंड सनातन नहीं हो सकता। स्वार्थ में बनाई गई रीति नीति सनातन नहीं हो सकती। हमारा सनातन विज्ञान पर आधारित है और आपका सनातन धोखे, झूठ और फरेब पर आधारित है। मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघे से बनिया पैदा हुआ, और पैर से शूद्र पैदा हुआ। हम कहते हैं यही सनातन मानो, हम कहते माने सनातन। हम तो देखते हैं भारत में हो, चीन में हो, लंका में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, बच्चा जहां भी पैदा होता है अपने माँ के पेट से पैदा होता है। तो माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है ये तो सनातन है, लेकिन मुंह से बच्चा पैदा हो ये क्या है? ये कभी देखा क्या कि किसी के मुंह से बच्चा पैदा होते देखा आप लोगों ने? अगर किसी ने देखा तो हाथ उठा दो, किसी ने देखा हो तो, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं। क्या किसी बच्चे को कभी किसी के हाथ से पैदा होते देखा है क्या? नहीं। किसी बच्चे को जंघे से पैदा होता देखा है क्या? नहीं। किसी व्यक्ति को पैर से पैदा होते देखा है क्या? नहीं। कहते हैं ये सनातन है, कहते सनातन है भाई। मुंह से बच्चा पूरे दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो हम कैसे मान लें कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया? हम कैसे मान लें कि हाथ से छतरी पैदा हो गया? हम कैसे मान लें कि जंघे से बनिया पैदा हो गया? हम कैसे मान लें कि पैर से शूद्र पैदा हो गया? केवल मनुष्य में लिख देने से पैदा हो जाएगा क्या? कोई ये धोखा है, इसीलिए मैं कहता हूं ये धर्म नहीं, ये धोखा। धर्म क्या है? मां के पेट से पैदा होना यही धर्म है, यही सनातन है। तो जात पात छुआ ऊंच नीच सनातन नहीं हो सकता, ढोंग ढकोसला पाखंड सनातन नहीं हो सकता, स्वार्थ में बनाई गई नीति रीति सनातन नहीं हो सकता। सनातन धर्म को हम मानते हैं, लेकिन हमारा हमारा सनातन विज्ञान पर आधारित है और आपका सनातन धोखे, झूठ और फरेब पर आधारित है। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी है, हमको उन्हीं के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम कोई बात नहीं सही नहीं कर रहे, हम उसी बात को आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा था, जो भी बुद्ध के अनुयायी हैं,
भगवान बुद्ध ने कहा था, कोई बात इसलिए मत मान लेना कि किसी बड़े धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि हमारे बड़े बूढ़ों ने इस बात को कही है, किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि मैं स्वयं कह रहा हूं, बल्कि किसी की भी कही हुई बात, किसी के द्वारा सुनी गई बात, किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ी गई बात को अपने दिमाग की कसौटी पर कसना और उस कसौटी पर अगर वो खरा उतरे तब उसे मानना अन्यथा मत मानना। यानी पहले जानो तब मानो। और धर्म के लोग क्या कहते हैं, नहीं हम जो करें वो मानो। बुद्ध और अन्य में यही अंतर है। और धर्म के लोग कहते हैं जो मैं कर रहा हूं उसी को मानो। भगवान बुद्ध ने कहा था नहीं, मैं भी कुछ कहता हूं उसको भी मत मानो। उसको कसौटी पर कसो, दिमाग बुद्धि की कसौटी पर कसो। अगर वो मानव कल्याण के लिए हितकारी है, उस बात से मानवता का कल्याण हो रहा है, मानवता मजबूत हो रही है, मानवता का सम्मान हो रहा है, तो उस बात को मानो अन्यथा मत मानो। इसीलिए बुद्ध ने संदेश दिया भारत में, लेकिन दुनिया के 50 देश से भी ज्यादा आज बुद्ध के अनुयायी, 50 से भी ज्यादा।